आज की वीडियो में हम इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की कुछ थ्योरम डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज ए फील्ड। देखिए, हमने पहले डिस्कस किया था कि रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन का बनेगी। तो रिंग के अंदर खुद की तीन प्रॉपर्टी होती है कि आर प्लस के लिए वो एवलिन ग्रुप बनाती है, आर डॉट के लिए वो सेमी ग्रुप होनी चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसके अंदर होल्ड होता है तो आर प्लस और डॉट जो है वो रिंग बन जाता है। अब रिंग इंटीग्रल डोमेन का बनेगा जब रिंग क्या हो, इट हैज यूनिटी, इट इज कम्यूटेटिव एंड विदाउट जीरो डिविजर। अगर ये तीन कंडीशन रिंग के अंदर हम और फॉलोअप हो जाती है तो रिंग जो है वो क्या बन जाती है, इंटीग्रल डोमेन बन जाती है। हमें ये प्रूव करना है कि इंटीग्रल डोमेन जो है फील्ड बन जाए। अब रिंग फील्ड कब बनती है, जब रिंग की तीन प्रॉपर्टी वो होल्ड करती है, उसके साथ में तीन अलग प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक होती है यूनिटी, दूसरी होती है कम्यूटेटिव और तीसरी ये होती है कि प्रत्येक नॉन जीरो जो एलिमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल डोमेन दे रखा है और कह रहा है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज ए फील्ड। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा फील्ड होना चाहिए। तो हम लैड करते हैं कि एफ प्लस एंड डॉट बी ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर एन, एंड लैड कर लेते हैं कि इसके अंदर ए वन ए टू अप टू ए एन जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है एफ के अंदर। मान लिया हमने कि ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है एफ के अंदर। तो हम पहले इसको बताते हैं कि एफ जो है हमारा वो इंटीग्रल डोमेन है, उसके लिए प्रॉपर्टी लिखते हैं कि एफ प्लस जो है वो एबेलियन ग्रुप है, एफ डॉट जो है सेमी ग्रुप बनेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके अंदर होल्ड होगा ताकि पहले ये रिंग बन जाए। अब ये इंटीग्रल डोमेन बनेगा तो एफ फोर पॉइंट बन रहा है कि एफ हैज ए यूनिटी, एफ फाइव में हम लिख रहे हैं एफ इज कम्यूटेटिव और एफ सिक्स एफ इज विदाउट जीरो डिविजर। अगर एफ वन टू एफ सिक्स प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो ये एफ प्लस और डॉट जो है वो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। ये सपोज करते हैं कि ए वन नॉट इक्वल टू जीरो और सेकेंड एफ टू जो है हमारा, हमने लिखा है कि एफ डॉट जो है वो सेमी ग्रुप बनाएगा। तो क्लोजर लॉ अप्लाई करते हैं, जो भी एलिमेंट है उनको ए वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए वन डॉट ए वन कॉमा ए वन डॉट ए टू डॉट 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 ए वन डॉट ए आई ए वन डॉट ए जे एंड ए वन डॉट ए एन ऑल बिलोंग्स टू एफ। ये सारे के सारे एफ से बिलोंग करेंगे। दे आर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये हमारे पास एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट है। अब हम कहते हैं कि आई नॉट इक्वल टू जे के लिए, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए मान लीजिए हमने ले लिया ए आई डॉट ए वन डॉट ए आई इक्वल टू ए वन डॉट ए जे, और यहाँ से आप ए वन को कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा ए आई माइनस ए जे। और ए वन हमारा क्या है, ए वन नॉट इक्वल टू जीरो, ए वन नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा था, हमारे पास क्या बन गया ए आई इक्वल टू ए जे, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट। देखो यहाँ पे ए, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू जे है तो ए आई ए जे के इक्वल हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ए वन डॉट ए वन कॉमा ए वन डॉट ए टू अप टू ए वन डॉट ए आई ए वन डॉट ए जे एंड ए वन डॉट ए एन, दी एन एलिमेंट्स आर नथिंग, ये एन एलिमेंट्स और कुछ नहीं है बट ए वन ए टू ए एन रिटन इन एडिंग ऑर्डर। इनको हम किसी भी ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। ये हमें क्या दिखा रहा है कि एन एलिमेंट और कुछ भी नहीं, इनको हम किसी भी ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, इनमें एक एलिमेंट इस टाइप का होगा, यहाँ हमें एक एलिमेंट इस टाइप से मिलेगा कि वो वन के इक्वल होगा। तो भाई आप फोर हम ये ले सकते हैं कि वन इज द यूनिटी ऑफ एफ, जो हमने पीछे लॉ लगा रखे हैं। तो भाई एफ फोर हम क्या कह सकते हैं, एफ फोर हमारा क्या है कि एफ क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, इसमें यूनिटी मिलनी चाहिए। तो वन इज द यूनिटी ऑफ एफ, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एफ इज वन, एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा आपको एफ का जो वन के इक्वल होगा। फिर हम देखिए भाई एफ फाइव कम्यूटेटिव से अप्लाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ए वन डॉट ए जे इक्वल टू ए जे डॉट ए वन इक्वल टू वन। तो यहाँ से आपको इनवर्स मिल जाएगा, ए जे इक्वल टू ए वन इनवर्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि एलिमेंट्स बन रहा है इनका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो वो फील्ड बन जाएगा। तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ, देयरफॉर एफ इज ए फील्ड। देखो इसको मैंने आगे समझाया कि यहाँ पे क्या चीज है, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो रहा है इसका मीनिंग क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझते हैं, देखो क्या चीज है। देखो हम ऐसा दिखा सकते थे, लास्ट स्लाइड थी हमारी, इसमें हमने कहा था ए वन नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए वन डॉट ए आई इक्वल टू ए वन डॉट ए जे देन आई नॉट इक्वल टू जे। तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया ए वन डॉट ए आई माइनस ए वन डॉट ए जे इक्वल टू जीरो। अब दोनों टर्म में ए वन आ रहा है तो कॉमन ले लिया ए वन डॉट ए आई माइनस ए जे इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम देखिए क्या कह रहे हैं, ए आई माइनस ए जे इक्वल टू जीरो,
क्योंकि ए वन नॉट इक्वल टू जीरो है। एफ हमारा इंटीग्रल डोमेन है तो विदाउट जीरो डिवी जीरो होगा, तो विदाउट जीरो डिवी जीरो की कंडीशन क्या होती है कि ए भी अगर जीरो तो ये इम्प्लाइज करता है कि या तो ए जीरो या बी जीरो। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिला कि ए आई जो है वो ए जे के इक्वल मिल रहा है, जबकि हम तो कह रहे हैं आई जो है जे के इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या करता है, विच इज कॉन्ट्रडिक्ट दैट एफ हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो हम क्या कहेंगे कि ए वन डॉट ए आई नॉट इक्वल टू बनेगा ए वन डॉट ए जेड के। तो एफ के अंदर जो एलिमेंट एंड डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे हमें जो किसी भी ऑर्डर के अंदर हो सकता है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, जो सेकंड स्लाइड है उसमें ये बीच में आप डाल सकते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो वन होगा। तो हम उसके बाद इसकी यूनिटी निकाल के उसको इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी ट्रू दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। देखिए इससे पहले जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसमें हमने कहा था कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ऑलवेज ए फील्ड, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा फील्ड बनाता है। यहाँ हम कह रहे हैं कि एवरी फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन बनाएगा, बट ये जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल डोमेन जो है फील्ड बनाए। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड बनाता है लेकिन इंटीग्रल डोमेन जरूरी नहीं है कि फील्ड बनाए। तो पहले तो आपको रिंग को फील्ड प्रूव करना है कि रिंग की फील्ड बनती है। तो हमने ले लिया एफ प्लस डॉट जो है वो फील्ड कब बनेगा, जो पहले तो रिंग की तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे, उसके बाद इसकी खुद की तीन प्रॉपर्टी है तो छह प्रॉपर्टी बनेगी। तो हम लिखते हैं कि एफ प्लस और डॉट जो है वो फील्ड कब बनेगी, जब एफ प्लस जो है वो एबेलियन ग्रुप बन जाए, एफ डॉट सेमी ग्रुप बनाए। फिर हम एफ थ्री के अंदर लिखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर जाए, एफ फोर एफ हैज ए यूनिटी, एफ फिफ्थ में हम लिखेंगे कि एफ इज कम्यूटेटिव, और एफ सिक्स के अंदर लिखेंगे कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ। प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का आपको इनवर्स मिलना चाहिए। अब देखिए जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन का बनेगा, जो इंटीग्रल डोमेन की कौन सी प्रॉपर्टी रह गई है हमारे पास कि विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो विदाउट जीरो डिवाइजर हम निकाल देते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन वी शैल ओनली प्रूव दैट एफ इज विदाउट जीरो डिवाइजर, एफ जो है विदाउट जीरो डिवाइजर हमें फाइंड करना है। ले लेते हैं कि ये एक मेंबर है एफ का, और सपोज मान लिया कि ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये एफ सिक्स में हमने लिखा है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने लिख दिया ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। नाउ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, और हम ले रहे हैं कि ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, इनवर्स अप्लाई करते हैं ए इनवर्स डॉट ए डॉट बी इक्वल टू ए इनवर्स डॉट जीरो। तो ए इनवर्स डॉट ए डॉट बी इक्वल टू ए इनवर्स डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स ए दिस इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास इनवर्स लॉ से आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ई बी इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए ए बी इक्वल टू जीरो है तो हम विदाउट जीरो डिवीजर के अंदर क्या बोलते हैं, अगर ए बी जीरो है या तो ए जीरो के इक्वल होगा या बी जीरो के इक्वल होगा। तो बी जीरो के इक्वल आ रहा है तो ए हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इम्प्लाइज करता है कि एफ जो है विदाउट जीरो डिवीजर। अगर एफ विदाउट जीरो डिवीजर आ गया हमारे पास तो एफ जो है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा, क्योंकि ए की प्रॉपर्टी रह गई है इंटीग्रल डोमेन की कि एफ इज विदाउट जीरो डिवीजर, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। हमने ये दिखाया कि ए जो है मेंबर है एफ का, और फिर अगर मेंबर है ए एफ का तो हमने कहा प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें विदाउट जीरो डिवीजर दिखाने के लिए हमने कहा कि ए डॉट बी जीरो है और ए नॉट इक्वल टू जीरो है, इनवर्स अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो बी जीरो के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ जो है विदाउट जीरो डिवीजर बनेगा। अब देखिए इसका कन्वर्स क्यों नहीं प्रूव करता है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि एफ इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन, एफ जो है इंटीग्रल डोमेन भी बनेगा क्योंकि ये विदाउट जीरो डिवीजर की प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया। बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड, प्रत्येक जो इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड नहीं होता। एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं हम कि आई प्लस और डॉट ये इंटीग्रल डोमेन है, आई प्लस और डॉट दो ऑपरेशन के लिए इंटीग्रल डोमेन है बट ये फील्ड नहीं बनता क्योंकि वन और माइनस वन को छोड़ के किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये हमने एग्जांपल पहले इसके डेफिनेशन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, वन और माइनस वन को छोड़ के किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और फील्ड के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इसलिए आई प्लस और डॉट जो है वो इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आइडियल ऑफ ए रिंग।
आइडियल ऑफ ए रिंग क्या बनता है? तो बेस्ट डेफिनेशन है लेफ्ट आइडियल ऑफ ए रिंग, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर प्लस एन डॉट, ये लेफ्ट आइडियल ऑफ आर ए। बेस्ट कंडीशन है एस प्लस जो है, एस प्लस ऑपरेशन के लिए एस प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर। और सेकेंड कंडीशन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर बिलोंग्स टू आर, देखिए आर रिंग का मेंबर है एंड ए बिलोंग्स टू एस, और ए जो है सबसेट लिया हमने उसका मेंबर है, दैन दिस इम्प्लाइज दैट आर ए, आर ए बिलोंग्स टू एस, ये आर ए किसका मेंबर होना चाहिए, एस का मेंबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये लेफ्ट आइडियल है ऑफ ए रिंग आर। तो हमने क्या किया है, हमारे पास एक रिंग बन रही है आर प्लस और डॉट, इसका हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया एस, तो ये एस जो है प्लस ऑपरेशन के लिए क्या बनना चाहिए, बेस्ट कंडीशन क्या है कि एस प्लस के लिए सब ग्रुप बनेगा आर के लिए, एस प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर बनना चाहिए। सेकेंड कंडीशन हमने लिए कि स्मॉल आर जो है उस रिंग का मेंबर है और ए जो है सबसेट का मेंबर है, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज करता है कि आर ऑफ ए, आर ऑफ ए किसका मेंबर आना चाहिए, एस का मेंबर आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये आर ए बिलोंग्स टू एस कर रहा है और एस प्लस जो है सब ग्रुप है आर का, तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट आइडियल है आर का। सेकेंड हम लिखते हैं कि राइट आइडियल ऑफ ए रिंग, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर प्लस एन डॉट इज राइट आइडियल ऑफ आर इफ एस प्लस ऑपरेशन के लिए क्या बनाए, सब ग्रुप हो जाए आर के लिए। और फिर अप्लाई कर रहे हैं कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर बिलोंग्स टू आर, तो आर तो रिंग का मेंबर है और ए किसका मेंबर है, उसके सबसेट का मेंबर है, दिस इंप्लाइज दैट ए आर बिलोंग्स टू एस, तो इसको हम बोलेंगे राइट आइडियल ऑफ ए रिंग। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आर ए बिलोंग्स टू एस लिखा है और यहाँ पे लिख रहे हैं ए आर बिलोंग्स टू एस, तो ये तो बनता है राइट आइडियल और ये बनता है लेफ्ट आइडियल। आइडियल ऑफ ए रिंग क्या बनती है, नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज एन आइडियल ऑफ ए आर इफ इट इज बोथ लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडियल ऑफ आर। तो आइडियल ऑफ ए रिंग के लिए कि लेफ्ट आइडियल भी निकालना पड़ेगा आपको और राइट आइडियल भी निकालना पड़ेगा। तो ये तो डेफिनेशन है, तो लेफ्ट और राइट के अंदर ध्यान रखिएगा, बी जो प्रॉपर्टी बन रही है उसमें आर ए बिलोंग्स टू, अगर एस बन रहा है तो हम लेफ्ट आइडियल बोलेंगे, और ए आर बिलोंग्स टू एस बन रहा है तो हम राइट आइडियल ऑफ ए रिंग बोलेंगे। तो आइडियल ऑफ ए आर में हम क्या लिखेंगे कि एस प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर and for all value of r belongs to r and a belongs to s, this implies that r a belongs to s and a r belongs to s, तो ये आइडियल ऑफ r बन जाएगा, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों कंबाइंड होने चाहिए, तो आइडियल ऑफ रिंग बन जाएगा। थ्योरम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखिए प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट s ऑफ ए रिंग r इज एन आइडियल ऑफ r if for all value of a belongs to s and b belongs to s, this implies that a minus b belongs to s, and for all value of r belongs to r and a belongs to s, this implies that r a belongs to s and a r belongs to s। देखिए आवश्यक और पर्याप्त कंडीशन है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो s बन रहा है वो किसी रिंग r के लिए आइडियल बन जाए। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a अगर s का मेंबर है और b भी s का मेंबर है, तो इनका जो डिफरेंस है a माइनस बी का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी एस का ही मेंबर होगा, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट और राइट दोनों आप फाइंड कर लीजिए कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एस, देन आर ए बिलोंग्स टू एस एंड ए आर बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। तो प्रूव करते हैं, द कंडीशन इज नेसेसरी, गिवन है हमारे पास कि एस इज एन आइडियल ऑफ आर, और आपको प्रूव करना है फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड ये हमें प्रूव करना है। देखिए अगर b belongs to s है, b अगर s का मेंबर है, s क्या है हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट माइनस b भी s का मेंबर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि s प्लस जो है वो एक ग्रुप बनाता है, s प्लस के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, ग्रुप बनाएगा तो ग्रुप के अंदर आप क्लोजर, एसोसिएटिव, उसके बाद आइडेंटिटी और फिर इनवर्स, जब इनवर्स फाइंड करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर b belongs to s है तो माइनस b भी बिलोंग करेगा s से, क्योंकि b का इनवर्स क्या बन गया, माइनस b बन गया। अब अगर हम अप्लाई करें एस प्लस के लिए क्लोजर, क्लोजर लॉ अप्लाई करें, तो क्लोजर लॉ में हम क्या कहते हैं कि ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस, प्लस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि माइनस बी भी एस का मेंबर है, तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू एस एंड माइनस बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू एस, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। Also, for all value of r belongs to r and a belongs to s, this implies that r a belongs to s and a r belongs to s. S is an ideal of r. S जो है ideal बन रहा है r का, तो ये property hold करेगी. तो first और second condition हमने यहाँ पे prove कर दी. Next निकालते हैं, the condition is sufficient.
तो सफिशियंट कंडीशन में क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रू पार्ट था उसको हम गिवन में डाल देते हैं। तो गिवन है हमारे पास कि एस सबसेट है आर का और फर्स्ट और सेकंड कंडीशन गिवन है। अब आपको प्रूव करना है कि एस प्लस और डॉट जो है वो आइडियल बने आर के लिए। एस प्लस और डॉट आर के लिए आइडियल बने तो एस प्लस जो है वो क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। एस प्लस सब ग्रुप का बनेगा जब एस प्लस खुद क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए। तो ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है वो होल्ड करनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी कहाँ से आपको निकालनी है, जो कंडीशन आपके पास गिवन है फर्स्ट और सेकंड जो कंडीशन गिवन है उनका यूज करके फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी गिवन है उनसे आप आइडेंटिटी लॉ ही निकाल सकते हैं। कि हमें सिर्फ इतना पता है कि ए और बी जो है मेंबर एस के, तो हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग्स टू एस, तो ए माइनस ए बिलोंग्स टू एस तो जीरो बिलोंग्स टू एस मिल जाएगा। मतलब हमें क्या मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई, जीरो एस से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। फिर हम इन्वर्स लॉ निकालते हैं, और ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग्स टू एस, तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया, जीरो हमारे पास मेंबर आ गया एस का, तो जीरो बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज दैट जीरो माइनस ए बिलोंग्स टू एस, तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ए बिलोंग्स टू एस। तो हमारे पास क्या बन गया, इन्वर्स भी आ गया, लेकिन ए का इन्वर्स क्या बन गया हमारे पास, माइनस ए। तो हमने जो कंडीशन गिवन है उनका यूज किया, तो पहले हमने आइडेंटिटी लॉ निकाला, उसके बाद हमने इन्वर्स लॉ निकाला, क्योंकि क्लोजर पहले आएगा नहीं, पहले आपको आइडेंटिटी फाइंड करना है फिर इनवर्स फाइंड करना है। अब हम क्लोजर और एसोसिएटिव फाइंड करेंगे। क्लोजर लॉ फाइंड करते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू एस, और हम फाइंड कर चुके हैं कि बी का इनवर्स क्या है, माइनस बी है, माइनस बी बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस माइनस बी बिलोंग्स टू एस। ये हमने फर्स्ट से लिखा है जो हमारे पास कंडीशन गिवन है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस है, तो अब ये नेगेटिव हमने ले लिया क्योंकि बी का इन्वर्स माइनस बी है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि इन्वर्स हम निकाल चुके हैं, तो ए बन जाएगा ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। तो क्लोजर लॉ होल्ड हो गया, देखिए पॉजिटिव के लिए। एसोसिएटिव लॉ में हम कहते हैं कि एस जो है सबसेट है आर का, देन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट के इक्वल आएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू एस। और बाई सेकेंड सेकेंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसे हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एस, तो आर ए बिलोंग्स टू एस एंड ए आर बिलोंग्स टू एस। तो एस प्लस जो है वो एक सब ग्रुप बना रहा है आर के लिए, और सेकेंड कंडीशन भी प्रूव हो रही है कि आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एस है, तो आर ए बिलोंग्स टू एस एंड ए आर बिलोंग्स टू एस, ये इम्प्लाइज करता है कि एस प्लस और डॉट जो है आइडियल बनेगा आर के लिए। ये इसकी सफिशियंट कंडीशन होती है। नेक्स्ट और हम डिस्कस करते हैं प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल ऑफ ए रिंग आर इज अगेन ए आइडियल ऑफ आर। तो सपोज एस वन और एस टू टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग आर प्लस एंड डॉट, मान लिया दो आइडियल बन रहे हैं इस रिंग आर प्लस और डॉट के लिए। तो हमें प्रूव क्या करना है कि अगर इन दोनों जो आइडियल बन रहे हैं एस वन और एस टू उनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो इंटरसेक्शन भी आइडियल बनेगा आर के लिए। तो देखिए आइडियल सबसेट का आइडियल बनना आर के लिए, उसके लिए हमारे पास नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन है। तो हम अप्लाई करते हैं कि एस वन इंटरसेक्शन एस टू प्लस के लिए प्लस ऑपरेशन के लिए सब ग्रुप बन जाए, और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, दिस इम्प्लाइज दैट ए आर एंड आर ए वो बिलोंग कर जाए एस वन इंटरसेक्शन एस टू के लिए। अब हमारे पास देखिए एस वन और एस टू क्या है, दो आइडियल है रिंग के लिए। तो पहले हम एस वन के लिए अप्लाई करते हैं कंडीशन की, एस वन इज एन आइडियल ऑफ आर, तो हमारे पास दो कंडीशन बनती है नेसेसरी और सफिशियंट। हम कहते हैं कि एस वन प्लस ऑपरेशन के लिए क्या बना दे, सब ग्रुप बन जाए आर के लिए, सब ग्रुप बन जाए मतलब ग्रुप बन जाए, और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एस वन, दिस इम्प्लाइज दैट ए आर एंड आर ए बिलोंग्स टू एस वन कर जाए। देखिए एस टू जो है आइडियल बन रहा है आर के लिए, तो हम नेसरी और सफिशियंट कंडीशन एस टू के लिए अप्लाई कर देते हैं कि एस टू प्लस ऑपरेशन के लिए क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा आर का, और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एस टू, दिस इम्प्लाइज दैट ए आर एंड आर ए बिलोंग्स टू एस टू। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप, ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम क्या लिख सकते हैं कि एस वन इंटरसेक्शन एस टू प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर। इसका जो इंटरसेक्शन बनेगा फर्स्ट और थर्ड कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि एस वन इंटरसेक्शन एस टू प्लस ऑपरेशन के लिए क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा आर का। और फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ कंडीशन से हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू,
दिस इम्प्लाइज दैट ए आर एंड आर ए बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू। तो देखिए दोनों ही कंडीशन फुलफिल करती है इंटरसेक्शन के लिए भी। ये एस वन इंटरसेक्शन एस टू प्लस ऑपरेशन के लिए सब ग्रुप बनता है आर का, और सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि ए आर और आर ए वो बिलोंग कर रहा है एस वन इंटरसेक्शन एस टू से। तो हम क्या कह सकते हैं कि एस वन इंटरसेक्शन एस टू प्लस और डॉट इज एन आइडियल ऑफ आर। ये आर के लिए क्या बनेगा, इसका जो इंटरसेक्शन है, दो आइडियल का जो इंटरसेक्शन बन रहा है वो आइडियल बनेगा आर का।